हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उबरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि विवेक रामास्वामी डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रशासनिक टीम जो उन्होंने चुना है उसमें उनको शामिल किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जी, उनकी प्रशासनिक टीम बनाना उन्होंने शुरू किया। इसी क्रम में उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी का गठन किया, जिसकी जिम्मेदारी टेस्ला के मालिक एलन मस्क के साथ साथ भारतीय मूल का रामास्वामी को दिया गया। मस्क ने असंभवों को संभव करने की स्वभाव पूरी दुनिया जानते हैं उसके बारे में, एलन मस्क के बारे में। लेकिन विवेक रामास्वामी भी कुछ कम नहीं है। कुछ न कुछ उनमें खासियत देखा होगा ट्रंप ने, तभी उनको भी अपने टीम में शामिल किया। ये बहुत फक्र की बात है हमारे भारतवंशी के लिए, हमारे भारत, हम भारतीयों के लिए। तो वो भी मस्क की तरह दृढ़ संकल्प व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इसलिए वो स्वामी ही नहीं है खाली टाइटल में, वैसे भी वो दृढ़ संकल्प के स्वामी हैं। ट्रंप ने उन्हें अमेरिका के कार्यांतरण की यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। वो तो अब थोड़ा मैं जानती हूँ विवेक रामास्वामी है कौन। विवेक रामास्वामी जो है, विवेक रामास्वामी का कहाँ के रहने वाले हैं उनका थोड़ा परिचय हम जानें। विवेक रामास्वामी जो है, उनके जो फादर इन लॉ ससुर हैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, उनके ससुर डॉक्टर आशुतोष तिवारी है जो कि न्यूयॉर्क में, वहीं पर न्यूयॉर्क में है। तो विवेक रामास्वामी का विवाह अपूर्वा तिवारी के साथ हुआ था, उनके ससुराल कानपुर में है। और हालांकि उनके ससुर जो आशुतोष तिवारी हैं परिवार सहित न्यूयॉर्क में अमेरिका में ख्यात चिकित्सकों में शामिल है, मतलब अमेरिका में फेमस डॉक्टर में उनका नाम है, शुमार है। विवेक का जिम्मेदारी मिलने का पूरा परिवार पर खुशी है, प्रफुल्लित है और उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टमेंट, एसेट मैनेजमेंट, बायोटेक क्षेत्र में की तरह राजनीति में भी पारी में शानदार पारी खेलेंगे। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल रहे विवेक रामास्वामी के पिता गणपति रामास्वामी NIT कालीकट में पढ़े और अमेरिका में इंजीनियर बने। अमेरिका में उनके पिता, माँ गीता रामास्वामी मैसूर मेडिकल कॉलेज से एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाने के बाद साइकियाट्रिक के क्षेत्र में कदम रखा। डॉक्टर आशुतोष बताते हैं, उनके जो फादर इन लॉ हैं रामास्वामी के, वो बताते हैं कि विवेक आज ही नहीं अपने जड़ों से भी मजबूती से जुड़े हैं। वह भारत आते जाते रहते हैं, हालांकि कोविड के बाद वह भारत में यात्रा नहीं कर सके। हार्वर्ड और एल यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त उन्होंने किया। इसके साथ प्रयोग धर्मी व्यावसायिक स्वभाव के वे हैं। विवेक की आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में काम किया, रोवियार्ड साइंस एंड सब्सिडियरी नाम के बायोटेक कंपनी बनाई। डॉक्टर आशुतोष जो उनके ससुर हैं, फादर इन लॉ, बताते हैं कॉलेज के दिनों से ही विवेक नेतृत्व क्षमता था, लीडरशिप उनमें था और वह राजनीति रूप से थोड़ा सक्रिय रहते थे। हालांकि 2020 के बाद चुनाव के ट्रंप का समर्थन करने के लिए सक्रिय हो गए। 2024 में विवेक ने राजनीति को अधिक गंभीरता से लिया। इस साल आज वह अमेरिका का एक अहम विभाग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बता दें, मस्क और विवेक को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी को लेकर अमेरिकी लोगों को में CV मांगने का काम आरंभ कर दिया है। सप्ताह में 80 घंटे काम और अमेरिका के नए युगों में ले जाने के जुड़े संदेश पर खूब प्रतिक्रिया आ रही है। परिवार और ससुराल में कोई भी सियासी पृष्ठभूमि में नहीं रहा इनका फैमिली बैकग्राउंड सब इंजीनियर का रहा
और इनके फैमिली में से कोई भी नेता अभी तक नहीं रहे, कोई बैकग्राउंड नहीं था इनका। इसके बाद भी नहीं रहने के बावजूद भी विवेक राजनीति चुनने में सवाल पर आशुतोष तिवारी जो उनके फादर इन लॉ कहते हैं, हाँ यह सच है कि दोनों परिवार में से कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन विवेक अग्गल अलग तरह से सोचते हैं। वह अमेरिका के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसे महान बनाना चाहते हैं। विवेक के जीवन में निजी पहलुओं में उनका जो पर्सनल बात है, पर्सनल जो उनकी जो बातचीत है पहलू, उसमें डॉक्टर आशुतोष कहते हैं कि वो शाकाहारी हैं, बेहद जिम्मेदार व परिवार में स्नेह करने वाले हस्बैंड भी हैं, फादर भी हैं, पिता भी हैं। अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद परिवार के लिए वो समय निकालते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, परिवार के साथ वो खाना खाते हैं, तो परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। और न्यूयॉर्क में हमारे घर भी आते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी उनका बहुत प्रेमपूर्वक संबंध है। साथ में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोर टीम का हिस्सा होने के बावजूद भी विवेक आज भी बहुत सरल और एकदम से नॉर्मल है, कुछ उसमें अहम और घमंड नाम की चीज़ नहीं हुई है। विवेक रामास्वामी के जो विवेक के व्यक्तित्व तो सबसे मजबूत पहलू उसके सकारात्मक और हाई नॉट एटीट्यूड है। इस तरह करके कह सकते हैं कि विवेक रामास्वामी अपनी पहली मुलाकात याद करते हुए कहते हैं कि वो परिश्रमी केवल अपने जो है जो भी उनकी जो उनमें अच्छाई है वो अपने पिता और अपने बड़े बुजुर्ग से उन्होंने जो सीखा है वही उनको मजबूत दृढ़ संकल्प दृढ़ विश्वास लाने में उनको प्रेरणा देता है। इस तरह कहा जा सकता है कि विवेक रामास्वामी बहुत मेधावी और बहुत ब्रिलियंट छात्र थे और कुशल, सरल, सौम्य और जड़ों से मिलता हुआ जुड़े हुए। साथ में उनके में लीडरशिप क्वालिटी था जो कि आज उस अपनी क्वालिटी को के कारण वो डोनाल्ड ट्रंप के टीम में है। डोनाल्ड ट्रंप के जो ये इफिशियंसी ऑफ गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी जो गठन किया उस टीम में वो हैं, वो और एलन मस्क हैं। तो बहुत प्राउड वाला मूवमेंट है हमारे हम भारतीयों के लिए कि रामास्वामी, विवेक रामास्वामी इतने मेधावी हैं कि अमेरिका के किसी भी डिसीजन में वो शामिल हैं, अमेरिका के का डेवलपमेंट में, अमेरिका की तरक्की में उनको भी ग्रुप में शामिल किया गया है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है और उनके परिवार के लिए तो है ही, लेकिन हम सब भारतीयों के लिए है प्राउड मूवमेंट कि हमारे भारत में ऐसे मेधावी छात्र हैं जो कि देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं लेके वीडियो लेके आपके लिए लेके आते रहूँगी।